प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार डिस्कशन लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सुमित जैन साहब। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये तीनों बात करेंगे भारत में हो रहे चुनावों पर। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। ये पहले क्यों नहीं कर लिए गए इलेक्शंस, अगर वाकई में मौसम का तो असर होता है? हमारे यहाँ पर आरजू जी, हमारे यहाँ पर सिलेक्शन और इलेक्शन में फर्क होता है। हमारे यहाँ पर हर चीज आर्मी चीफ के ऑफिस से नहीं होती है। हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारा इंडिपेंडेंट है। मौसम तो चेक कर ही सकता है ना, मौसम तो इलेक्शन कमीशन को मौसम से कोई मतलब नहीं है। बाढ़ भी आया होगा तो वो भी बोलेगा कि इलेक्शन होंगे, जिसने वोटिंग करनी है आकर वोटिंग कर दे। उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आराम से अपने ऊंची सी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, उनको बाढ़ से भी मतलब नहीं है। जिसको आना है आएगा, गर्मी हो सर्दी हो, इलेक्शन है तो है। और हमारे यहाँ तो हर रोज ही इलेक्शन होते हैं, आपको पता है। आप खुद ही बोलते हैं कि यार इतना बड़ा कंट्री है, हम तो रोज ही सुनते हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, ये कब इलेक्शन खत्म होंगे। और जब तक इलेक्शन खत्म होने की बारी आती है तो जनरल इलेक्शन हमारे मेन जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से अपनी डेट्स देता है, गवर्नमेंट के कहने से नहीं देता। सो इट्स जजमेंट, जो हो गया हो गया, अब इसको सबको पालन करना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। जैन साहब, इस बार तो इलेक्शन कमीशन ने और बढ़िया काम किया है कि आपने अगर 10 लोगों को चाय पिलाई तो वो 10 रुपए पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपए आपके खर्चे में ऐड कर देता है। अब वो सबके सब सोच रहे हैं भाई यार ये तो बड़ा मुसीबत है, पहले ही खर्चा 25 लाख तक बहुत कम है। पर पहले तो पहले ही खर्चा बहुत कम है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अब वो इलेक्शन कमीशन इतना। और आप अगर कहीं पोलिंग वाले एरिया में ना, आपको दिन में एक गाड़ी जरूर दिख जाएगी जिसके ऊपर लिखेगा ऑब्जर्वर, इलेक्शन कमीशन ऑब्जर्वर। वो अपनी कार के ऊपर ऑब्जर्वर लगा करके घूम रहे हैं और देख रहे हैं किसकी कैंपेन हो रहा है। इसकी वजह से कैंपेन ही नहीं हुआ आज तक, मेरे पास कोई नहीं आया वोट मांगने। उन्हें पता भी है वैसे तो रोहित वोट, लेकिन फिर भी नहीं आया वो। लेकिन उसका रीजन एक और भी है। देखिए रोहित भाई, दिस इलेक्शंस जो आंकड़े हैं लोगों के, वो कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा होने वाला है। दिस आर गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली इलेक्शंस एवर। और उसका ये तरीका नहीं होता कि जिसने जो खड़ा है सिर्फ उसी ने पैसे लगाने हैं। सपोजिंग मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं अपने लेवल पर खर्चा कर सकता हूँ, तो वो ऐड नहीं होगा। रीजन बीइंग वो किसी इंडिपेंडेंटली खर्चा किया है, नहीं तो 1,00,000 करोड़ रुपया कैसे खर्च हो जाएगा इस इलेक्शन में। आप खुद बोल रहे हैं कि 1,00,000 करोड़ रुपया खर्चा होने वाला है, कैसे हो? अरे भैया वो आपको वो कहानी नहीं समझ में आ रही है। होता क्या है कि मेरे एक दोस्त ने अगर 10,000 रुपए खर्च किए ना, तो वो मेरे एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं, ठीक है। वो इलेक्शन कमीशन ऐड कर देता है। दूसरी चीज, वो 1,00,000 करोड़ जो खर्च हो रहा है ना, वो 1,00,000 करोड़ आपका टीवी ऐड है जो कि सब पे नहीं पड़ रहा है। वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग है और पार्टी का अलग है। प्राइम मिनिस्टर की रैली हो रही है यहाँ पे, अगर सपोजिंग मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्राइम मिनिस्टर की रैली है तो उसका जो खर्चा है वो मेरे में ऐड कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं। और इलेक्शन कमीशन इज वेरी टफ अबाउट इट यार। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने और स्ट्रिंजेंट मेजर्स उठाए हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर जितना घूम रहे हैं और दूसरे बड़े लीडर्स जितना घूम रहे हैं, वो फिर उसके बाद सोशल मीडिया एक्सपेंडिचर बहुत है 1,00,000 करोड़ में, वो सारा कहीं ऐड नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि पीछे की जाती हैं। आप 1,00,000 करोड़ का जो बता रहे हैं ना, वो बड़े वाइड स्केल पे गेम है वो। आप उसको इंडिविजुअल के एंगल से मत देखिए। इंडिविजुअल का तो कितना है, मेरे हिसाब से 4-5 करोड़ है, ज्यादा नहीं है। इतने पैसों की बातें मत किया करें, हम मैं बैठी हूँ पाकिस्तान से, हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है इतना पैसा सुनकर। लेकिन ये जरूर है कि बहरहाल इलेक्शन में खर्चा बहुत होता है। और हम जो सेकंड फेज है वो कब शुरू होगा रोहित, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि हम फिर इलेक्शन को कवर करते रहेंगे। आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इंडिया या जो ना कवर करने, आप एक बार वीजा अप्लाई करके देखो ना। पाकिस्तान का नाम ही नहीं रखा है आप लोगों ने, पाकिस्तान से कोई रिपोर्टर्स नहीं आ सकते। लेकिन ये कि हाँ, आप लोगों से हम समझते हैं, क्योंकि इस बार सुमित सर एक चीज बहुत अच्छी हुई है, वो ये कि पाकिस्तान का टीवी चैनल्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। और हमें करना चाहिए, इंटरनेशनली जो न्यूज होती है भारत की वो कवर करनी चाहिए, तो बिल्कुल की जा रही है। और वहां से कई जर्नलिस्ट वगैरह को भी फोन पे लेते हैं। आरजू जी, मुझे तो
हैरानी होती है कि कवरेज का भी एक तरीका होता है, इतनी लंबी लंबी फेंकने की जरूरत क्या होती है? पता नहीं कम्युनिटी में प्रॉब्लम है कि पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम है भाई। यहाँ पर हम अर्बन नेक्सस की बात करते हैं, आपके हामिद मीर इतने सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने अरब कर दिया उसको, अरब नक्सल्स। भाई आप सोच के देखिए, मैं कोई छोटा मोटा अगर कोई होता, फकर यूसुफ जाही जाता और कुछ होता, ऐसी गलती कर दे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आपको चाइना में कोई आदमी कंबल डाल के पीट जाए ना, तो समझ लेना कि फकर यूसुफ जाही ने पिटवाया आपको। सही बात है, आज जो आपने दुश्मनी ली है ना फकर भाई से, याद रखना। हामिद मीर से यार आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना सीनियर जर्नलिस्ट ऐसी बेवकूफी करेगा? नहीं कर सकता। फिर एक और थे जो पिछली गवर्नमेंट में पीसी, आप ये जो क्या था इसका, ये क्या होती है आपकी क्रिकेट टीम की, जो हेड बन गए थे, चेयरमैन बन गए थे, आजकल दोबारा से यूट्यूब के ऊपर आना शुरू हो गया, बेंच पे थे, बंद कर दिया था क्योंकि पैसे दूसरी तरफ से बहुत बढ़ रहे थे पीसीएल से। तो अब उन्होंने भी आकर क्या लंबी लंबी फेंकी है, क्या आग उगली है, मैं समझ नहीं सकता कि आपके जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, अगर कवर भी करते हैं तो किस तरह से कवर कर रहे हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। वहां पर एक ही चीज दिखाई जाती है, देखिए हेट स्पीच दे दी मोदी जी ने, ये तो बिल्कुल ओपनली बोलना शुरू कर दिया, अरबों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ, इसको कवरेज नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंबी लंबी फेंकना। मुझे लगता था कि किसी एक आदि आदमी है भारत में जो ये इसका ट्रेडमार्क या कॉपीराइट उनके ऊपर था, आप भी चाइनीज हो गई हैं, कॉपीराइट का मतलब है राइट टू कॉपी, तो आपने भी उनको कॉपी करके लंबी लंबी फेंकनी शुरू कर दी। नहीं मैंने तो नहीं फेंकी, हाँ हामिद मीर साहब ने जरूर फेंकी है, और वैसे खैर मैं और मेरे कई दोस्त उनके फैन नहीं है, लेकिन होता है बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम दोबारा फिर बात करेंगे नई अपडेट्स के। जब तक तो रोहित की पिक्चर आ चुकी होगी ट्विटर के ऊपर, यूं करके के यूं करके यूं करके डेमोक्रेसी की असलियत है कि आप जो इलेक्शन वोट करने टाइम दिखाते हो वही चीज आपको रिजल्ट के बाद पॉलिटिशियन दिखाते हैं। हमें पॉलिटिशियन ये दिखाते हैं, आपको ये दिखाते हैं, तो फर्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अर्जुन जी। थैंक यू। बाय दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इन तीनों का डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी इसकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।